दोस्तों नमस्कार, बिंदु ब्लेक ब्लॉग में आपका स्वागत। आज दोस्तों मैं देसी और पुराने जमाने की रेसिपी बनाकर आप तक पहुंचाने वाली हूं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्त चलिए हमारे रसोई घर में हम दिखाते हैं आप कौन सी रेसिपी बनाकर आप तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों तो आइए चलिए चलते हैं। दोस्तों आज हम कंडी पर रेसिपी बनाकर आप तक पहुंचाने वाली हूं। दोस्तों तो देखिए हम कंडी लेके आ गए, अब हम कंडी को तोड़ लेते हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। अब हम कंडी को जला लेते हैं। तो जब तक दोस्तों हमारी कंडी में आग बन रही है, तब तक हम ले आते हैं खेत से धनिया की पत्ती। तो चलो चलते हैं। आ गए हम अपने धरती के खेत में दोस्तों। तो हम धनिया की पत्ती ले लेते हैं, बढ़िया ताजी हरी हरी धनिया की पत्ती। दोस्तों हम अपने जरूरत के हिसाब से धनिया की पत्ती ले लिए। देखिए कितनी बढ़िया हमारे खेत में धनिया की पत्ती आई है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। दोस्तों तो चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों हम धनिया की पत्ती लेके आ गए। धनिया को अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है। इधर हमने हरी मिर्च ले लिया है, लहसुन की कली ले लिया, अदरक भी छील कर धोकर ले लिया है और बैंगन भी अच्छा सा धो के सुखवा लिया है, टमाटर भी और आलू भी। दोस्तों तो हम बैंगन और टमाटर को डाल देते हैं आग में। दोस्तों तो देखिए हम बैंगन में चीरा लगा देते हैं और देखते हैं बैंगन में कीड़े तो नहीं आए हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा बैंगन बढ़िया अच्छी तरह साफ है, इसमें कीड़े नहीं है। दूसरी साइड भी चीरा लगा देते हैं, इधर से भी देख लेते हैं। तो देखिए इधर भी बैगन बढ़िया ठीक ठाक लग रहा है। अब हम दूसरे बैगन में चीरा लगाते हैं। दोस्तों देखिए बढ़िया कितना मुलायम नरम बैगन है, ताजा ताजा। ये वाला बैगन मार्केट से लाए हैं, किसी दिन मैं अपने पेड़ का बैगन दिखाऊंगी। तो देखिए इधर भी बैगन साफ लग रहा है। तो हम बैगन में जो हमने चीरा लगाया है उसमें डाल देते हैं लहसुन की कली। बैगन में चीरा लगाने से दोस्तों दो फायदा है, एक तो चेक कर लेते हैं हम कीड़े तो नहीं लगे हैं, दूसरा हम बैगन जब भूजते हैं तो इसमें हम जो लहसुन की कली डाल रहे हैं दोस्तों, इससे बैगन में गैस नहीं बनेगी और बढ़िया अच्छा सा पक भी जाए। लहसुन की कली डाल दे रही, इसी तरह दोस्तों हम दूसरे भी बैगन में डाल देंगे। हमारी आग भी बन गई है तो हम इसी में डाल देते हैं बैगन को, और इसी में हम डाल देते हैं टमाटर को। अब इसको हम ढांक देते हैं, बैगन और टमाटर को ढांक देंगे दोस्तों, और बीच में उलट पुलट करते रहेंगे जब तक हमारा बैगन और टमाटर पक रहा है। दोस्तों हम आटा को गूंद लेते हैं। तो बैगन और टमाटर को हमने आग में डाल दिया है भूनने के लिए। आलू नहीं है दोस्तों तो आलू को हम पानी में उबाल लेंगे। आज दोस्तों मैं बैगन आलू का चोखा और बढ़िया चूल्हे पे पतली रोटी बनाकर आप तक पहुंचाने वाली हूं। दोस्तों तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम बहुत स्वादिष्ट चोखा बनाने वाले हैं। दोस्तों तो देखिए हम धनिया की पत्ती लेके आए हैं, बढ़िया सिलबट्टे पर पीसेंगे, बैगन का चोखा बनाएंगे। दोस्तों बैगन और टमाटर हमारा भून रहा है। दोस्तों हम आटे को गूंद लेते हैं, तो हम थोड़ा सा पत्थर निकाल लेते हैं। तो हमारे आटे का डो तैयार हो गया, हम आटे को हम ढांक देते हैं। तो अब हम टमाटर और बैगन को पलट देते हैं। तो हमारा बैगन होने वाला है दोस्तों, बस थोड़ा सा एक मिनट और ढांक कर रख देंगे। तो दोस्तों अब हम पीसने जा रहे हैं मसाला को। तो देखो मसाले में हम क्या क्या पीसने जा रहे हैं, लहसुन की कली, हरी मिर्च, अदरक, धनिया की पत्ती। अब दोस्तों इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दे रहे हैं। सिलबट्टे पे पीसेंगे, पहले हम धनिया को कूट लेते हैं। तो देखिए इस तरह पीस रहे हैं, इस तरह चोखे में मसाला डालने से चोखा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ऐसे बढ़िया हरा हरा मसाला पीस रहा है दोस्तों, बहुत अच्छी धनिया से खुशबू आ रही है। दोस्तों तरह का मसाला दोस्तों हमारी दादी जी बनाती थी। मसाला हमारा पीसकर तैयार हो गया दोस्तों, हमने मसाला को उठा लिया।
अब हम बैंगन और टमाटर को निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया अच्छी तरह हमारा बैंगन हो गया है और टमाटर भी हो गया है बढ़िया अच्छा सा। तो इसको धो लेते हैं ताकि राख अच्छा सा साफ हो जाए। तो देखिए इस तरह हम टोटी से टमाटर और बैंगन को धुल ले रहे हैं। अब हम छेद वाली थाली में रख देते हैं, पानी अच्छा सा निकल जाए, फिर इसका छिलका उतारते हैं। तो हमारे आलू उबल गए और बैंगन टमाटर को अच्छी तरह धो लिया, अब हम इसका छिलका उतारते हैं। इसी तरह हम आलू बैंगन टमाटर का छिलका उतारेंगे। दोस्तों आप हमारी वीडियो में बने, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जब आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हमने बैंगन भी छील लिया, टमाटर भी छील लिया, आलू भी छील लिया, तो हम तोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह तोड़ लिया, अभी आलू थोड़ी गर्म है। तो दोस्तों हमने एक ही बैंगन लिया है, दूसरा बैंगन कुछ मुझे डाउट लग रहा था तो दूसरा बैंगन हमने नहीं लिया है। देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा हो गया है। तो दोस्तों हमने आलू बैंगन टमाटर को तोड़ लिया, अब हम इसमें डाल देते हैं सिलबट्टे पर हरा मसाला बनाया था यानी हरी चटनी बनाई थी, तो इसमें हमने सारा कुछ डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। तो दोस्तों हम इतनी चटनी बचा ले रहे हैं, स्वाद के अनुसार हम डाल रहे हैं। और अब इसी में दोस्तों हम डाल देते हैं प्याज, में दोस्तों डाल दे रहे हैं कटी हुई हरी मिर्च, और दोस्तों हम इसी में डाल दे रहे हैं कटी हुई बढ़िया ताजी धनिया की पत्ती। तो हम इसको अच्छी तरह मिला देते हैं। तो देखिए प्याज मसाला और धनिया की पत्ती हमने मिला दिया। अब दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल, जो हम कच्चा सरसों का तेल डाल रहे हैं दोस्तों, इससे चोखा में और बढ़िया स्वाद बन जाएगा। तो हम तेल को भी मिला देते हैं। तो चोखा हमारा दोस्तों बढ़िया हरा चोखा बनकर तैयार हो गया। चूल्हा हमारा जल रहा है तो हम चूल्हे पे बनाते हैं बढ़िया गरम गरम रोटी, आप हमारी वीडियो में बने रहिए। चूल्हा हमारा जल रहा है, हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं तावा। आटा हम ले लेते हैं दोस्तों, आटा हमारा बढ़िया अच्छा सा सेट हो गया है। आटे की बना लेते हैं हम छोटी छोटी लोई। आटे को गोल करते हैं, पुश करते हैं। तो देखिए इस तरह हम पुश कर रहे हैं, चकवा हमारा बन गया। अब हम चकवे में लगाते हैं सूखा आटा और चकवा को हम बेल लेते हैं दोस्तों। तो हम रोटी को तावे पे डालते हैं, इसी तरह हम दूसरी रोटी बनाते हैं। ठंडी के समय किचन गार्डन में अपने हर रेसिपी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया धूप में बैठकर धूप का आनंद लेते हैं। रोटी को हम पलट देते हैं। तो तावे की रोटी हमारी हो गई दोस्तों, अब हम इसको सेकते हैं चूल्हे पर और चकवा की रोटी हम डाल देते हैं तावे पर। तो आग को हम साइड में कर लेते हैं, इस तरह हम साइड में जगह बना लेते हैं और रोटी को साइड में हम सेकते हैं। इस तरह हम रोटी को नचाते हुए सेकेंगे और तावे की रोटी हम पलट देंगे। अब हम दूसरी साइड रोटी को सेकेंगे। तो देखिए रोटी हमारी किस तरह बढ़िया अच्छी सी फूल रही है। तो रोटी हमारी हो गई, अब हम रोटी की राख को झाड़ देते हैं और रख देते हैं। अब हम दूसरी वाली रोटी इसी तरह सेकेंगे। ये हमारी दूसरी रोटी भी बन गई बढ़िया अच्छी सी, ये भी फूल गई है। तो हम इसकी भी राख को झाड़ देते हैं और रोटी को रख देते हैं और तावे की रोटी हम चूल्हे में सेकते हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहिए, इसी तरह हम सारी रोटी को बना लेंगे। सारी रोटी हमने बना लिया, ये हमारी जो तावे पे है लास्ट रोटी। तो हम तावे को उतार लेते हैं, रोटी को सेकते हैं। तो रोटी को हम पलट देते हैं। देखिए इस तरह हम रोटी को नचाते हुए सेक रहे हैं। ये वाली भी हमारी रोटी हो गई, हम रोटी को झाड़ देते हैं और रोटी को रख लेते हैं। तो अपने मम्मी के लिए हम खाना सर्व करते हैं। रोटी में लगा लेते हैं बढ़िया देसी घी, दोनों साइड लगा लेते हैं बढ़िया, और इसी में हम रख देते हैं कटी हुई मूली और
थाली में रख देते हैं हरा मिर्च। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसे लगी, मम्मी जी लो खाओ और बताओ कैसे लग रहा है खाना, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और देसी स्टाइल में बैंगन टमाटर आलू का चोखा और चूल्हे पर की रोटी खानी हो तो प्लीज़ हमारे घर पर पधारिए। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार।